ये तो हमारी पुरानी स्टूडेंट है। आजा बेटा, किस चीज में हो गया? किस में? अच्छा, राजस्थान टीचर्स में हो गया, ज्वाइनिंग हो गई अभी है, 20 तारीख। अच्छा, 20 तारीख को जाना है, बहुत बढ़िया। कहाँ मिला राजस्थान में? अलवर, राजस्थान, पास ही है, मतलब अच्छा रेवाड़ी के लगता है, बहुत बढ़िया। इस बच्ची ने बेटा कई साल से पढ़ रही थी, मेहनत कर रही थी टीचिंग में, इसका राजस्थान में टीचिंग में हो गया, अलवर में इसको स्कूल मिला, अलवर जिला है, हमारे रेवाड़ी से बिल्कुल लगता है, जब हरियाणा जी के पढ़ जाए तो हम अलवर का नाम भी याद करते हैं ना, वहाँ इसकी ज्वाइनिंग हो गई। PRT ना, कितनी सैलरी रहेगी बेटा? 35 रहेंगे। अभी मैं इनको यही पढ़ा रही थी कि हर जगह की सैलरी अलग अलग है, 35,000 बहुत है शुरुआत में, आगे बढ़ती रहना। बहुत बढ़िया बेटा, तालियां बजाओ। थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर, ये तो हम खा ही लेंगे। तूने मेरे ख्याल कई फेलियर्स भी देखे है ना, काफ़ी काफ़ी दिन पढ़ी भी, इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो कई फेलियर्स देख चुके। अब रिजल्ट पक्का अच्छा आ जाएगा, लेकिन आएगा कब ये नहीं पता, क्योंकि हरियाणा के एग्जाम्स में बहुत सारे बच्चे हमारे लगेंगे, लेकिन वो रिजल्ट कब निकालेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई नहीं, इससे थोड़ा सा सुन लो, ये मैं पकड़ लेती हूँ। हेलो, ड्रीम कम ट्रू हो रहा है अभी। तो भी मैंने स्टार्टिंग की थी 18-19 से, 6 महीने की मैंने उस टाइम पे ली थी कोचिंग, बट मेरा फिर 3 महीने में एस्टेट क्लियर हो गया, मैंने छोड़ दी। एस्टेट सीटेट क्लियर होने शुरू हो गए, आई भी उसी के लिए थी, एज सच ऐसे इसके लिए नहीं आई थी, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ही टीचिंग एक होता है ना कि पैशन है जो है। बेटा ये बातचीत मत करो, सुन लो, ये काम आएंगी सारी बातें। सक्सेसफुल आदमी को जो नहीं सुनता हूँ कैसे आगे बढ़ेगा, थोड़ी सी आवाज बढ़ानी। उसके बाद फिर CGL वगैरह, बाकी सबका तो सबको पता ही है, वहाँ पे बैठ के जो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे कि यार सारे आ रहे हैं, हमारा नंबर कब आने वाला है। देख के ये होता था पता नहीं कौन सा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं खुद से शेयर करूँ कि भाई जो ये सोच के चलते हैं ना कि इसमें पक्का सिलेक्शन है, पक्का सिलेक्शन है, मेरा तो उसमें कभी नहीं होता। इसीलिए मैं पहले बताती ही नहीं हूँ अभी तो। अगर ये हो ना कि हाँ इसमें मेरा पक्का सिलेक्शन है, इसमें भी मैंने पहले अभी बोला था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो फिर वहाँ पे आचार संहिता लग गई। मैं मेरी मम्मी कहती है लग गई टोक फिर से। KVS में भी मैं अभी ये हो गया कि भाई टोक लग जाती है तो पहले नहीं बताना। फाइनल हो गया ना? अभी फाइनल हो गया, तभी आई हूँ। मैंने कहा अब जब तक ज्वाइनिंग नहीं आ जाती मेरे को जाना ही नहीं है। एक तो पेपर फेल भी हुआ था शायद है ना? अभी लास्ट मैंने कोविड के टाइम पे पढ़ाई की थी, उसके बाद मतलब स्टार्टिंग में जब पढ़ाई छोड़ी ना, वो मैं बोल सकती हूँ कि सबसे बड़ी गलती थी। हाँ, क्योंकि कुछ लड़कियां अभी भी कहती हैं कि भाई जैसे पेरेंट्स कह रहे हैं कब तक आएं। आज एक बच्ची में से बात कर रही थी कि मैम घर वाले कह रहे हैं कितने दिन और आए, जब तक जॉब ना हो तब तक आओ। मेरे हिसाब से तो यही सही है, अगर पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं तो तुम्हारे पास ऐप है, बट स्टिल पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करो, मान ही जाते हैं, इतने भी रफ एंड टफ किसी के पेरेंट्स नहीं होते हैं, थोड़ा जिद करोगे मान जाएंगे वो भी। मुझे तो मेरे पेरेंट्स सबसे ज़्यादा रफ एंड टफ लगते हैं, मैं उन्हें मना सकती हूँ तो तुम किसी को भी मना सकते हो भाई। ये देखो बेटा, ये 2018 में आई थी, इसका टारगेट था बस सीटेट एचटेट पास हो जाए। वो आसान होते हैं, टफ नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ते रहना चाहिए। वो इसके 3 महीने में पास हो गए। अब इसकी बात, ये जो नहीं सुन रहे का था ना, लगातार बोलता ही रहता है, उसको ध्यान ही नहीं है, फिर बाद में पछताएंगे। इसने क्या कहा कि मेरी सबसे बड़ी गलती वो रही जो बीच में ब्रेक लिया। उस ब्रेक से क्या होता है, हम जितना ऊपर तक गए ना फिर वापस जीरो पे आ जाते हैं, फिर दोबारा पढ़ना पड़ता है, और बार बार पढ़ने में क्या होता है, फिर लगता है ये भी आता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है जब आपको लगने लगे कि मुझे सब आता है, क्योंकि एक्चुअल में पेपर पास नहीं हो रहे हैं, कहीं कसर है, लेकिन आप वो कसर नहीं पकड़ पाते। तो लगातार पढ़ते रहना चाहिए जब तक कि हम पास ना हो जाएं, और टाइम टू टाइम ये बीच बीच में बहुत बार हमसे गाइडेंस लेती रहती थी कि अब मैं क्या करूँ। बहुत बार ऐसा रहा कि इसने पेपर दिए, बहुत सारे, मेरे ख्याल 12-15 पेपर ज़रूर दिए होंगे ना,
या उससे भी ज़्यादा शायद, लगातार पेपर देती रही। फाइनली अब इसका राजस्थान में हो गया, 20 तारीख को इसको जाना है, तो जब तक कुछ ना मिले तब तक पढ़ते जाना चाहिए, जब एक बार पैर जम जाए। हाँ पॉइंट से, हाँ ये तो बहुत कॉमन है, जब आप बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाते हैं ना, इसको बोलते हैं लर्निंग प्लेट्यू। ये सबके साथ नहीं आता, आप में से ज़्यादातर लोग लर्निंग जब कर रहे हैं तो आपकी एक स्पीड है, ग्राफ में ऊपर जा रहे हैं, फिर एक स्टेज पे बच्चा जब बहुत दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, साल डेढ़ साल दो साल, तो एक प्लेट्यू आ जाता है, उसको लगता है यार मैं कुछ भी नहीं सीख रहा हूँ, पर एक्चुअल में वो एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है, इंसान तब भी सीख रहा होता है, उसको पता नहीं चलता, और उस लर्निंग प्लेट्यू पे उसे ज़्यादा मेहनत करनी होती है, क्योंकि तब उसकी लाइन बिल्कुल सीधी, उसको लगता है मैं कुछ भी मुझे पता ही नहीं चल रहा नया, लेकिन धीरे 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 जो उस प्लेट्यू पे चलता रहता है ना, फाइनली उसका ग्राफ अचानक से ऊपर जाता है और वो जो चीज़ चाहता है वो अचीव कर जाता है। तो जब आपको ऐसा लगे कि मुझे बहुत कुछ आ गया, सब कुछ आ गया, तब भी पढ़ते रहना चाहिए, थोड़ा 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 हम सीखते चलते हैं, और एक लंबा अनुभव जैसे लेना ही पड़ता है, समय ऐसा है, वो 3 महीने 6 महीने वाली नौकरियां अब नहीं है, अब 2-3, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं है। अब जैसे ग्रुप डी है, अगर सरकार अब तक पेपर का रिजल्ट निकाल के ज्वाइनिंग करा लेती तो कितने सारे लोग तो जा चुके होते, कितने नए लोग आ जाते। प्रॉब्लम क्या है, सरकार की पॉलिसी ऐसी है कि हमने बहुत अच्छा भी किया तो भी अधर में लटका रखा है काम, उसको क्लियर नहीं किया कि आप पास हुए कि नहीं हुए, तो बहुत सारे बच्चे इस बीच में पढ़ना छोड़ते हैं। ये पढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट समय है, जब आपकी क्लैरिटी ना हो किसी भी चीज की, तब तक पढ़ाई मत छोड़ना जब तक कि ये ना हो कि मेरी ज्वाइनिंग आ गई। जैसे इसने कहा कि पढ़ते रहो जब तक फाइनल ये ना हो कि भाई यहां पहुंच गए। देखो लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, ये बहुत नॉर्मल है, तुम्हें अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं और कितने दिन पढ़ोगे और कितने दिन पढ़ोगे, बिल्कुल नेचुरल है, वो सब सुन के भी अनसुना करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके पेपर अच्छे गए हैं कुछ समय में रिजल्ट आ जाएगा, 1 महीना 2 महीना 4 महीना हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में हो तो जिस दिन पेपर हुआ उससे अगले दिन सबको क्लियर हो कि भाई तुम पास हो तुम फेल हो, फेल होने वाला दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करे, पास वाला अपनी खुशी मनाए। पर यहाँ प्रॉब्लम यह है कि पास हुए को भी साल डेढ़ साल और लटका के रखते हैं, कितने लंबे लंबे टाइम तक ज्वाइनिंग्स नहीं देते। अब समय ऐसा है, व्यवस्था ऐसी है, सिस्टम ऐसा है, तो इसमें निराश नहीं होना, इसमें सोचना है पढ़ते जाएंगे, जिस दिन फाइनली लग जाएंगे ना तब पढ़ाई छोड़ेंगे, तो अपना पढ़ाई को जारी रखो, जब तक फाइनल डिसीजन ना ले ले सरकार, लिखित में तुम्हारा नंबर ना आ जाए, तुम्हारे जाके कहीं सिग्नेचर होने का डेट ना फाइनल हो जाए, तब तक पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। पॉजिटिव रहो, खुश रहो, ये सोचो कितनी दुनिया से हम आगे हैं, अगर तुम पॉइंट से रहते हो, 1 नंबर से रहते हो 2 नंबर से, तो तुम एक बड़ी भीड़ से ऑलरेडी आगे हो, थोड़ी सी मेहनत और लगातार करनी है, फिर कहीं भी किसी भी फॉर्म में तुम्हारा भी नंबर आ जाएगा और एक दिन तुम्हारी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो सब लोगों को ऑल द बेस्ट, पढ़ना पड़ेगा पढ़ने के अलावा। हाँ बेटा और कुछ बोलना है, 1 मिनट। ये वाला आपके लिए नहीं है, ये वाला वर्षा के लिए, रियली सॉरी। मेरे को लगा ये बाद में बोल रही थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया, सबसे पहले मेरे को इसे बताना चाहिए था, बट मैंने नहीं बताया, दिल से सॉरी। और जिन भी फ्रेंड्स के मैसेज आ रहे हैं, भाई सच्ची में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह क्लियर करवाने में, ये नहीं बोल रही कि मैं इग्नोर कर रही हूँ, जो ये मैसेज आ रहे थे मेरे पास इग्नोर कर रही है, भाई तो जॉब लग गई तो थोड़े दिन के लिए सॉरी, और तेरे लिए स्पेशली। आज ये तेरी फ्रेंड थी बेटा, आज तेरी फ्रेंड तेरे देख घड़ी लेके खड़ी हुई है, कितनी खुशी की बात है। एक दिन ऐसा भी आए, वर्षा नाम है तुम्हारा, वर्षा भी घड़ी लेके जाए, तब कोई और यहाँ खड़ा हो वर्षा को घड़ी पकड़ाने के लिए, है ना वर्षा, ये लो बेटा। ऑल द बेस्ट बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारा समय आ गया, अब बस भगवान से दुआ करो इनका भी समय आ जाए और जो मेहनत कर रहे हैं वो ज़रूर लग जाए, ठीक है बेटा।